हेलो व्यूअर्स, राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से मैं आप सबका का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक मैथ से रिलेटेड है। आज हम लोग गुणनखंड सीखने वाले हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है वो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद के जैसा, तो उसका गुणनखंड हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी बहुत ही आसानी तरीका से। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए। तो शुरू करते हम लोग कि इस क्वेश्चन का अगर हमें गुणनखंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसानी तरीका से इसका गुणनखंड कैसे हम लोग निकालने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि 3x² - 2√6x + 2 इसका गुणनखंड हमें निकालना है, तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ जो है इसको तीन पार्ट में बांट लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। तीन पार्ट हमारा हो गया। अब हमारे पास जो ए जिस प्रकार दिया गया उसी प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, तो ए का गुना सी से करेंगे। ए में जो भी हमारे पास दिया गया है उसका गुना हम लोग सी से कर लेंगे। तो ए में हमारे पास दिया गया 3x² और सी में दिया गया 2, तो हम लोग अगर गुना करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 6x². अब हमें दो संख्या ढूंढना है जिसको गुना करेंगे तो 6x² हो जाए, या जोड़ने घटाने पर बी के बराबर अर्थात -√6 हो जाए। तो हम लोग x² को भूल के वो उस संख्या को गुना करना है या ढूंढना है, क्योंकि x² जो अपने आप जो है वो आ ही जाएगा। तो वो कौन सी संख्या जिसको गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, जोड़ने घटाने पर -√6 हो जाएगा। तो वो संख्या हमारा है √6 और √6। इस संख्या को अगर हम गुना करेंगे √6 को √6 से तो कितना होगा, 6 होगा। कि -√6 को अगर हम गुना करते हैं -√6 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, +6। क्योंकि ऐसा फॉर्मूला होता है कि √x × √x जो हमारा आंसर होता है वो x होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये इस संख्या को गुना करेंगे तो हमारा गुना करने पर जो आंसर है वो आएगा 6x² और जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा -√6x। इसके बाद सी में हमारे पास जो भी दिया गया हम इसको इसी तरह से लिख देंगे। अब हमारे पास जो है अगला स्टेप में क्या करेंगे कि हमारे पास चार पद हो गया, 1, 2, 3, 4। अब पहले दो पद में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, और दूसरे दो पद में भी कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन किसको कहा जाता है, तो कॉमन वैसा संख्या होता है या वैसा चीज होता है जो दी गई संख्याओं में बड़ी से बड़ी हो और उससे विभाजित हो जाए, उसको कॉमन कहा जाता है। मान लीजिए कि अगर हमें 30 और यहाँ पर 18 है, इस दोनों में अगर हमें कॉमन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आप दोनों का टोटली फैक्टर लिख दीजिए। आसानी से अगर हमें कॉमन फाइंड करना है तब तो 1, 2, 3, इसके बाद 5, 6, 10, 15 और 30, ये 30 का टोटल फैक्टर हो गया। इसी तरह 18 का टोटल फैक्टर हमें लिख लेना है, टोटल फैक्टर हम लोग लिख देंगे। अब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे जो दोनों में हो, तो 30 दोनों में नहीं है, 18 दोनों में नहीं है, 15 दोनों में नहीं है, 10 दोनों में नहीं है, इसके बाद 9 भी दोनों में नहीं है। 6 ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो दोनों में अवेलेबल है। इसका मतलब है कि 30 और 18 का अगर हम लोग कॉमन निकालने के लिए चलेंगे तो हमारा कॉमन 6 निकल के आएगा। इसी को कॉमन कहा जाता है, कॉमन। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर 3x² और -√6x में से कॉमन निकालना है। तो कॉमन कितना होगा, बड़ी से बड़ी संख्या दोनों में क्या है जो इस दोनों संख्या को विभाजित कर दे, तो वो संख्या हमारे पास √3x। √3 जो है 3 को भी विभाजित कर सकती है और √6 को भी विभाजित कर सकती है। अब हमें √3x इसमें भाग लगाना है, तो कितना मर्तबे लगेगा, तो √3x इसके बराबर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बराबर होगा। इसी तरह √3x में भाग लगाना है √6 में, तो हम लोग लगाएंगे इसको √2। इसी तरह अब इसमें से हमें कॉमन निकालना है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन हमारे पास है √2। अगर हम लोग कॉमन सही सही निकाल लेते हैं तो अगला डब्बा में बस यही चीज भर देना है, क्योंकि दोनों बॉक्स जो होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। अगर भाग लगाना फिर भी लगा के भी लिखेंगे फिर भी यही आने वाला है। अगर कॉमन सही सही निकल गया तो आप आंख मूंद के यही चीज इस बॉक्स में भर सकते हैं। अगर नहीं तो भाग लगा के चेक करना चाहते तो वही वो भी हो सकता है कि √2 से हमें भाग लगाना है √6x में माइनस में, तो कितना होगा, तो माइनस कॉमन लेने से साइन बदल जाता है, तो हमारा ये जो आंसर है वो आएगा √3। इसी तरह √2 से भाग लगाना है हमें +2 में, तो साइन चेंज होगा और लगेगा
रूमर तो अभी। अब हमारा जो लास्ट स्टेप होगा वो ऐसा होगा कि जो हमने कॉमन लिया है एक बॉक्स में उसको लिख देंगे, एक बॉक्स में हमें उसको लिख देना है और दूसरे बॉक्स में ऑलरेडी हमारे पास दो बॉक्स है तो किसी एक बॉक्स को शामिल करेंगे। तो एक हमने लिखा ये कॉमन वाले संख्या कि √3x − √2, और इसके बाद दूसरा जो बॉक्स होगा या तो आप ये लिख दीजिए या तो ये लिख दीजिए क्योंकि दोनों में कोई अंतर है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको √3x − √2। यही ये जो क्वेश्चन है इसका ये गुणनखंड है। आसानी तरीका से हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चन को आसानी तरीका से, बहुत ही आसानी तरीका से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को हमारा ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।